हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने भिंडी को काट लिया है वॉश करके, और मैंने प्याज भी काट लिया, जिसके लिए चाहिए हरी मिर्च और लहसुन, तो जो मैंने छिल के रख दिया है यहाँ पे। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा लिया है, तो इसमें हम ऐड कर लेंगे ऑयल। तो हम ऑयल ऐड कर देंगे, तेल को अच्छे से गरम होने दीजिए। उसके बाद हम ऐड करेंगे जीरा, थोड़ी सी हींग भी ऐड कर लेंगे हम, अनियन ऐड कर देंगे, प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक हम भून लेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड कर दी मैंने। प्याज थोड़ा सा भुन गया था तो मैंने उसमें लहसुन ऐड कर दिया, तो लहसुन प्याज और हरी मिर्च को हम अच्छे से चला लेंगे अच्छे से ब्राउन होने तक। प्याज हमारा भुन गया अच्छे से, तो उसमें हम ऐड कर देंगे धनिया पाउडर, 2 चम्मच हमने धनिया पाउडर मिला लिया, और उसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच हम जीरा पाउडर मिला लेंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। नमक हम बाद में डालेंगे, अगर नमक हम पहले डाल देते हैं तो वो गीला हो जाता है, तो हम जब भिंडी पक जाए अच्छे से तो उसके बाद हम डालेंगे, नमक ऐड कर देंगे उसमें। मसाला मिक्स हो गया तो हम इसमें अब भिंडी ऐड कर देते हैं। भिंडी को हमने अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लिया है, तो हम इसे धीमी आंच में पका लेंगे थोड़ा सा। भिंडी को हम ऐसे पकने देंगे, इसमें ढक्कन नहीं लगाएंगे, नहीं तो गीली हो जाती है भिंडी। भिंडी अगर थोड़ा सा पक जाए तो उसमें हम नमक ऐड करेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। भिंडी अच्छे से पक गया है तो हम इसमें ऐड कर देंगे ये मैगी मसाला। मैगी मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया, मैगी मसाले से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है भिंडी में। देखिए बिल्कुल भी इसमें गीला नहीं है, एकदम ड्राई हो रहा है। भिंडी की सब्जी रेडी है खाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।